Please welcome Munna Battery from Mansoor, MP. 1,96,53,115 वर्ष पूर्व निर्मित इस सृष्टि के पृथ्वीलोक पर स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक देश भारत की पवित्र धरा के इस भूभाग पर विराजित हास्य के बेजोड़ जजों को मैं कवि मुन्ना बैटरी अपने दोनों हाथ ऊपर करके प्रणाम निवेदित करता हूँ। जैमिनी जी आपको भी प्रणाम करता हूँ। जी जी अभी और बढ़िया होने वाला है क्योंकि इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लार्ज कर सकता हूँ, ठंडे ठंडे इन दिसंबर को अप्रैल मार्च कर सकता हूँ, मेरी हर बात पर जो आपकी खुशी छलकती रहे मैं अभी के अभी आपकी बैटरी चार्ज कर सकता हूँ। और नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूँ। मंदसौर का नाम मंदोदरी के नाम से पड़ा है, मंदोदरी रावण की बीवी थी और रावण मेरे फूफा जी लगते हैं। हालांकि मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान राजनीतिज्ञ महाप्रतापी महापराक्रमी महाबलशाली महाज्ञानी महापंडित और विश्व विजेता था। उसमें लाख बुराई थी लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे मंत्री संतरी कुलगुरु और यहाँ तक कि लंका की प्रजा से एक बार भी ये नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। और अर्चना जी मैं तो जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ के लोगों का तो फुल कॉन्फिडेंस रहता है। हमारे यहाँ तो लोग छत पे छतरी सेट करने चढ़ते हैं और पड़ोसन सेट करके नीचे उतर जाते हैं। हालांकि अर्चना जी मेरा भी कॉन्फिडेंस कोई कम नहीं है, मेरी तो शादी चल रही थी, दो फेरे हुए और दुल्हन उठ के चली गई। बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, पूरे 7 फेरे किए मैंने अच्छा पंडित के साथ। शेखर जी मैं अभी जयपुर गया था एक शो करने के लिए, वहां मेरे को एक अंग्रेज मिल गया। अच्छा। मैंने उस अंग्रेज से पूछा, मैं कहा तुम अंग्रेज लोग खुश कब होते हो? तो उसने बोला हमारे यहाँ जब कोई बड़ी मिसाइल बना दी जाती है, हमारे यहाँ की जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाती है, कोई सैटेलाइट उपग्रह छोड़ दिया जाता है, तब जाके हमारे चेहरे पे बिल्कुल इतनी सी मुस्कुराहट आती, कितनी बिल्कुल इतनी सी। अब उस अंग्रेज ने पकड़ के मुझसे पूछ लिया, बोले तुम हिंदुस्तानी लोग खुश कैसे होते हो? मैंने कहा हम हमारे यहाँ तो खाली तरबूज मीठा निकल जाए। और उसमें भी आसपास के 4 लोगों को जाके बताते कि आज केवल आधा किलो का लाए थे और पूरा का पूरा लाल निकल गया। शेखर जी जो खुशी पूरी दुनिया वालों को माइकल जैक्सन जस्टिन बीबर और शकीरा को देखने में मिलती है, उससे ज्यादा खुशी तो अपने यहाँ गटर साफ करती हुई जेसीबी को देखने में मिल जाती है। अपन कम में ही खुश, अपने को ज्यादा बड़ी वैसे बात बतानी नहीं चाहिए, लेकिन शेखर जी जो खुशी दूल्हे को पूरी रात सुहागरात में मिलती है उससे ज्यादा खुशी तो उसके दोस्तों को कमरा सजाने में मिल जाती है। Very nice. छोटी छोटी खुशियां। मैं एक और खुशी बताता हूँ, आपकी जेब में अगर इधर उधर से गलती से फटा हुआ 1 50 का नोट आ जाए आप पूरे दिन टेंशन में अब इसको क्या करना है, लेकिन शाम को 3 नोट के बीच में फंसा के जैसे ही आप पेट्रोल पंप पे सरका दो ऐसी खुशी मिलती जैसे पूरे खानदान की जीडीपी सुधार दी हो। सही है कि ये समय भी कैसा कैसा दिन दिखा रहा, खाने को कटोरे में रोटी नहीं पर भिखारी भी दनादन व्हाट्सएप दौड़ा रहा, अरे गटरे तो धरती की साफ नहीं हो रही पर कॉलोनी काटने आदमी मंगल पे जा रहा, और प्रेम की कल्पना भी क्या अजीब है इस दुनिया में, ये मोहल्ले की टीना तो हम आज तक न पटा पाए पर कैटरीना का सपना हमें दिन रात सता रहा। और जीवन में हमेशा लक्ष्य बड़ा रखो, समस्या आती जाती रहती। मैं तो जब पहली बार मुंबई आया था मुझे बताया मुंबई बहुत फास्ट शहर है, आए तो बचकर आना। जब मैं मुंबई आया तो पता चला मुंबई वाकई फास्ट शहर है। मैं उतरा बॉम्बे सेंट्रल पे, सामान दादर में ही उतर गया। मतलब समस्या कहीं से भी आ सकती है, हमारे इधर तो चोरी की समस्या ना हो इसलिए घर के बाहर कुत्ता बांधते हैं, चोर आते हैं और कुत्ता ही खोल कर ले जाते हैं। अर्चना जी मेरे तो एक मित्र ने जैसे ही अनलॉक हुआ उसने तुरंत शादी करी, और जैसे ही शादी करी जिस उद्देश्य से शादी करी वो रात भी आ गई। अगले ने घूंघट उठाया, दुल्हन ने मास्क पहन रखा और उस मास्क के ऊपर लिखा हुआ जब तक दवाई नहीं। तब तक ढिलाई नहीं।
लेकिन दूल्हा कोई मानता है क्या? उसने जैसे ही मास्क हटाया तो दुल्हन बोली, हे प्राणनाथ सुनो विनय हमारी, समझते हो मुझे अगर जान से ज्यादा प्यारी, तो करने होंगे पालन तुम्हें नियम सरकारी, अगर नहीं है तुम्हें डिस्टेंसिंग की तनिक भी जानकारी, तो स्टेट हेल्पलाइन नंबर 104 और सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 107 पे संपर्क करें, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हालांकि अर्चना जी सोच रही है एक ऐसी समस्या आई है मध्य प्रदेश से, लेकिन मैं आपको बता दूं समस्या मध्य प्रदेश राजस्थान और गुजरात से ही नहीं आती है, कभी कभी पंजाब से भी आ सकती है। जीवन में हमारा समस्या की, लेकिन आप बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, जीवन की अगर सबसे साक्षात समस्या आपके बीच रखता हूँ कि बचपन से लेकर 55 तक जो हमें अपनी आंखों से दुनिया दिखाते हैं, बुढ़ापे में वही माँ बाप चश्मे के कांच बदलवाने को तरस जाते हैं। और क्यों होता है ऐसा कि मिट्टी के एक लोंदे को जीवन भर तरासा करते हैं, काजल की एक टिकी से बलाओं को टाला करते हैं, जीवन का अमृत हमें पिला खुद मौत का जहर पी जाते हैं। इस दुनिया में और कौन है माँ बाप के सिवा जो चेहरे की झुर्रियों में भी समस्याओं को छुपा लिया करते हैं। मुन्ना जी, मैं कहूंगा कि आपका नाम गलत है, आप मुन्ना बैटरी नहीं है, आप मुन्ना जनरेटर हैं। ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर है। झकास परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। मुन्ना आपने अपना नाम बैटरी क्यों रखा? बैटरी का मैम बिजनेस था। अच्छा। तो उसके साथ मेरा नाम जुड़ गया और जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है कि मेरा नाम मुन्ना बैटरी हो गया। वाकई आप बिजली के रफ्तार की तरह ना, आपने जो हमारे सामने एक के बाद एक समस्याएं पेश की और अपने मटेरियल को आपने बहुत पॉजिटिविटी के साथ हमारे सामने पेश किया है, तो कॉमेडी में अगर पॉजिटिविटी हो और इनोसेंस हो और फिर रफ्तार हो, तो उन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया होता है जो आपने हमारे सामने। हर बैटरी जो दुनिया में है अरुण जी, वो कभी ना कभी डिस्चार्ज होती है। बिल्कुल होती है। ये बैटरी कभी डिस्चार्ज होती है, हुई है, होगी? पत्नी की अगर चार्ज होती है तो फिर मेरी कभी डिस्चार्ज हो जाती है। अच्छा। प्यार व्यार तो किया ही होगा? हर महीना करता हूँ। फिर धोखा के खाया कहीं नहीं खाया अब तक? प्यार आज से 10 साल पहले की मुझे बात याद है कि एक बात मुझे मेरे जीवन में खूब खटकी, मेरे आसपास कई छोरियां फटकी पर मेरे जाल में एक भी नहीं अटकी। एक छोरी मेरे को 3 महीने तक झकोले दे गई, सुबह में कचोरियां और शाम को पेप्सी कोला पी गई, मैं काउंटर पे पैसे देने में ही रह गया और वो किसी और के साथ हो गई। मैंने खूब दिया बस का किराया, खूब गन्ने का रस पिलाया, फिर भी हाथ पे हाथ मलता रह गया, वो छोरा बना 2 छोरे का बाप और मैं मुन्ना खाली बैटरियां ही बेचता रह गया। अच्छा, थैंक यू, लेट्स हियर इट फॉर मुन्ना बैटरी वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन।